गुलबर्गा एमएलसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट प्रताप रेड्डी ने ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह दरगाह की जियारत की और साथ ही सैयद अली अल हुसैनी साहब से मुलाकात कर एमएलसी इलेक्शन में सपोर्ट करने की अपील की। आम आदमी पार्टी कर्नाटक के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद नसीमुद्दीन पटेल ने सभी ग्रेजुएट वोटर से अपील की है कि प्रताप रेड्डी को वोट कर एमएलसी इलेक्शन में जिताएं। इस मौके पर सैयद अली अल हुसैनी साहब, तखी साहब, आम आदमी पार्टी के लीडर डॉक्टर इमरान अहमद और आम आदमी पार्टी के लीडर्स मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों और माँ बहनों, मैं मोहम्मद नसीमुद्दीन पटेल मरहूम मेराजुद्दीन पटेल साहब का भाई हूँ और आम आदमी पार्टी का स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारे प्रताप रेड्डी साहब हमारे ख़ास यानी हमारे फैमिली मेंबर के जैसे हैं। उन्होंने लास्ट टाइम जेडीएस से ठहरे थे, थोड़े ही कुछ वोट से उन्होंने क्या है बोले तो हारे। इस बार फिर उन्होंने अपने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बन के ग्रेजुएट कॉन्सेंसी से इलेक्शन ठहर रहे हैं और आप लोगों से मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि वो एक सेकुलर आदमी है और उन्होंने एक वर्कर है और एक काम करने वाले हैं, सोशल माइंड के हैं, रात और दिन यानी हर मामले में उन्होंने आवाज़ करने वाले हैं। उस वजह से अब जो भी कैंडिडेट्स थे बीजेपी के और कांग्रेस के वो लोग उनके छः साल में क्या करे और इन्होंने सिटिंग जो छः साल जो एमएलसी थे इन्हों क्या करे आपके सामने हैं जो इलेक्शन का वोट लेके गए तो फिर अब इलेक्शन को जा रहे हैं। इसलिए आप लोगों से मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, आपका कीमती वोट ऐसे आदमी को दीजिए जो अपने इज्जत, अपने कदर, अपनी पहचान करते हैं और अपने आवाज़ को लब्बैक करके जो आगे आते हैं वैसे इंसान को आप वोट देना। और वोट की आपकी अहमियत वोट की क्या ऐसी मामूली नहीं है, आपके वोट की कदर ही या उसका कोई वैल्यू ही नहीं बन सकते उतनी बड़ी उसकी ये है। उस वजह से क्या है बोले तो आने वाले 3 तारीख जून के आप वोट डालना है और यहाँ प्रताप रेड्डी साहब के फ़ोटो रहती है वो उनके सामने क्या है बोले तो बॉक्स रहता ऐसा एक बोल के ऐसा खींचना है, एक ही वोट डालना है। लास्ट टाइम उनके टिक करके जो जो भी है गलतियाँ उनसे क्या है बोले तो उनके वोट रिजेक्ट हो गए, उस वजह से उन्हें 220 वोट से हारना पड़ा। और आप लोगों से मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, हम बीदर में देखे, यहाँ पर भी देखे, रायचूर गए थे, बल्लारी, हर जगह पूरे हमारे मुस्लिम भाई और हर समाज के भाई, हर इसके कास्ट के हर कोई भी है आज प्रताप रेड्डी साहब को लाइक कर रहे हैं। अच्छे आदमी हैं, काम करने वाले हैं और इनके क्या है बोले तो बैकग्राउंड भी है, इनके फैमिली में खुद एक 50 डॉक्टर है, IAS है, IPS है, सब चीज़ इनके पीछे क्या है वो तो है। उस वजह से मैं आप लोगों से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, आपका कीमती वोट प्रताप रेड्डी साहब को जून की 3 तारीख को डाल के अच्छे अक्षर से जिताते बोल के आप लोगों के बाद मैं एक उम्मीद रखते हुए मेरे दो बात ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय कर्नाटक।